लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। इनमें सेना के एक कर्नल भी शामिल हैं। सेना ने कहा कि दोनों ओर से हिंसक झड़प हुई है जिसमें दोनों ओर के सैनिक हताहत हुए हैं। सेना ने कोई संख्या तो नहीं बताई है, लेकिन सैन्य सूत्रों के मुताबिक चीन के 3 से 4 सैनिक मारे गए हैं। ये घटना सोमवार रात को हुई है। जब दोनों तरफ की सेना पीछे हट रही थी, तभी दोनों तरफ के भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। आपको बता दें कि 1975 के बाद ये पहली बार है जब भारत चीन सीमा पर किसी सैनिक की शहादत हुई हो। पिछले करीब 1.5 महीने से भारत और चीन सैनिकों के बीच लद्दाख में तनातनी चल रही थी। भारत की ओर से सड़क निर्माण का काम जोर पर चल रहा था, जिस पर चीन को आपत्ति थी। बड़ी संख्या में चीनी सैनिक यहां आ गए थे। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की खबर आ रही थी और माना जा रहा था कि बहुत जल्द ही ये तनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन सोमवार रात लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई। इनमें भारतीय सेना के 1 अफसर 2 जवान शहीद हो गए। दोनों देशों के सेना के उच्च अधिकारी मौके पर बातचीत करके स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने मंगलवार को पठानकोट की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी है। भारतीय और चीनी सैनिकों में पेंगोंग त्सो लेक में 5 मई को हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद से दोनों पक्ष वहां आमने सामने थे और गतिरोध बरकरार था। वह 2017 के डोकलाम घटनाक्रम के बाद सबसे बड़ा सैन्य गतिरोध बन रहा था। दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव को लेकर आखिरी उच्च स्तरीय वार्ता 6 जून को हुई थी, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई थी। वहीं चीन ने इस मामले पर कहा कि भारतीय सैनिकों ने उनकी सीमा में घुसकर चीनी सैनिकों पर हमला किया, जिसके बाद ये हिंसक झड़प हुई। लेकिन अब जिस तरीके से चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, ऐसा लगता है कि चीन को उसकी भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है। भारतीय सेना को जल्द से जल्द चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए और अपनी ताकत का एहसास चीन को कराना चाहिए, क्योंकि चीन लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानने वाले। जय हिंद, जय भारत। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।